दोस्तों फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन लर्निंग ऑफ द बेस्ट वे चैनल में। पिछले अपने वीडियो में कंप्यूटर के जनरेशन देख रहे थे, वो वीडियो बीच में ख़त्म हो गया था, तो इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं और कुछ नई चीज़ें भी इस वीडियो में आपने जानते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था जो इसका टाइम काल था वो 1940 से 1956 तक था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। यूनिवेक और इनियक कंप्यूटर इस जनरेशन के दो कंप्यूटर हैं जिनका इस जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में आविष्कार किया गया था। और इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रोग्राम को रन करना और इनपुट जॉब्स आर ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग इट नो ए बैच प्रोसेसिंग। इस फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का यूज किया जाता था और एक इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रहे थे बेस्ट टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इसमें एक प्रोग्राम एक समय में एक ही प्रोग्राम चला सकते थे। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन थी। सेकंड जनरेशन का जो टाइम देखें तो अपने 1956 से 1963 तक का टाइम था। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का टाइम काल है वो 1964 से 1971 तक का है। तो आपको याद रखनी है ये टाइम काल, सेकंड जनरेशन 1956 से 1963, थर्ड 1964 से 1971 के बीच का टाइम था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज किया गया था जो कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी यूज की गई थी। ट्रांजिस्टर वर मिनीचर एंड प्लेस ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर, इसे सेमीकंडक्टर कहा गया था, जिससे इस कंप्यूटर की क्या भी स्पीड की गति है वो थोड़ी तेज़ हो गई थी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आती है। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड देखें 1971 से लेके प्रजेंट तक का इसका टाइम काल माना जाता है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था जो कि एक सिंगल सिलिकॉन की चिप थी। इस जनरेशन में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ जीयूआई एंड माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइस का भी इस फोर्थ जनरेशन में यूज होने लग गया था। फिफ्थ जनरेशन है इसके बाद, ये प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड आगे तक चलने वाली जनरेशन है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया और अभी भी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर एंड 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिंटोश। तो एप्पल के द्वारा मैकिंटोश और IBM के द्वारा जो 1981 में कंप्यूटर बनाया गया था घर के लिए यूज के लिए होम यूजर के लिए। उसके बाद अपना आज का वीडियो देखते हैं। आज के वीडियो में जो न्यू टॉपिक है आप देखिए कंप्यूटर टिट बिट से संबंधित है, यानी वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कंप्यूटर के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्या है देखिए, फर्स्ट नंबर है कॉनरेड ज्यूज इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर वाज नेम Z1 इन 1931। इट वाज द फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ये पहला फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये Z1, जिसका आविष्कार 1936 में कॉनराड ज्यूज के द्वारा किया गया था। और सेकंड नंबर फैक्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर गेम वाज कौन सा था, स्पेस वर था पहला कंप्यूटर का गेम जो कि स्टीव रसल के द्वारा फरवरी 1962 में ये बनाया गया था, डेवलप किया गया था। थर्ड नंबर फैक्ट है जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस डेवलप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इन 1958। तो आईसी का आविष्कार जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस के द्वारा किया गया था 1958 ईस्वी में। इन 1954 जॉन बेक्स एंड IBM डेवलप फर्स्ट सक्सेसफुल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी फोर्ट्रॉन का आविष्कार 1954 में जॉन बेक्स एंड IBM के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ये जो कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है
अर्पानेट द फर्स्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टार्ट इन 1969 में, अर्पानेट है वो पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी थी जो कि 1969 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है वर्ड स्टार सॉफ्टवेयर इज द फर्स्ट रिलीज ऑफ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय सेवमोर रूबेनस्टाइन एंड रोब बर्नेबली इन 1979। नेक्स्ट है एप्पल लिसा कंप्यूटर इज द फर्स्ट होम कंप्यूटर, एप्पल लिसा पहला होम कंप्यूटर था जो कि जीयूआई बेस्ड था, इन 1983 में इसको तैयार किया गया था। द फर्स्ट वेब ब्राउजर www, ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में इसको बनाया गया था, इसका डेवलप किया गया था। इसके बाद में इसका नाम रख किया गया नेक्सस, नाम इसका रीनेम किया गया था नेक्सस के द्वारा। द फर्स्ट सर्च इंजन क्रिएटेड बाई अर्ची इन 1990 बाई एलन एमटेज, ए स्टूडेंट ऑफ एमसीगिल यूनिवर्सिटी इन मॉन्स्ट्रिल। यानी ये कह रहा है कि जो फर्स्ट सर्च इंजन था वो 1990 में बनाया गया था अर्ची के द्वारा, 1990 में एलन एमटेज के द्वारा, जो कि एमसीगिल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, उसके द्वारा फर्स्ट सर्च इंजन बनाया गया था। फिर ऑन अगस्त 6, 1991 द बर्नर्स-ली पब्लिश्ड द फर्स्ट इंटरनेट साइट फॉर फ्रॉम सन, सन से बर्नर्स-ली के द्वारा पहली वेबसाइट 6 अगस्त 1951 को डेवलप या पब्लिश की गई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में जिनेवा, जिनेवा की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब थी। सन है ये कि स्विट्जरलैंड या जिनेवा की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब है, वहाँ से बर्नर्स-ली के द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा पहली वेबसाइट को 6 अगस्त 1991 में पब्लिश किया गया था। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज द कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन यानी CDC 6600 विद ए सिंगल CPU, इट वाज रिलीज इन 1964। तो 1964 1964 में पहला सुपर कंप्यूटर आया था CDC 6600। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है जो कि 1991 में इंस्टॉल किया गया था। नवीडिया टेस्ला कंप्यूटर वाज लॉन्च इन लंदन एंड दिसंबर 2008 इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये पहला पर्सनल सुपर कंप्यूटर था नवीडिया टेस्ला, जो कि 2008 में इसको दिसंबर 2008 में डेवलप किया गया था। फिर है द फर्स्ट बैनर एडवर्टाइजिंग वाज यूज इन 1994। तो पहली जो एडवर्टाइजिंग है वो 1994 में की गई थी। ईमेल इज़ द ओल्डर देन द वर्ल्ड वाइड वेब यानी www वर्ल्ड वाइड वेब से ईमेल है जो कि पुरानी है। द फर्स्ट डोमेन नेम अवर रजिस्टर्ड वाज सिम्बोलिक, पहला जो डोमेन नेम रजिस्टर किया गया था वो symbolic.com था। रिच सक्रेंटा जनरेटेड द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन फरवरी 1982, यानी रिच सक्रेंटा के द्वारा पहला कंप्यूटर का वायरस फरवरी 1982 में डेवलप किया गया था, जो कि रिच क्रेंटा एक एलेक क्लोनर के ऑथर थे। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो कि लैब से पहला ये बाहरी कंप्यूटर वायरस इनके द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल वाज रिलीज फॉर द मैक 1985 इन द फर्स्ट विंडो वर्जन वाज रिलीज इन नवंबर 1987। एक्सेल का पहला वर्जन नवंबर 1987 में और 1987 में रिलीज हुआ था और इसका 1985 में डेवलप किया गया था इसको। नोबडी कैन क्रिएट ए फोल्डर नेम कौन, विंडोज में कौन नाम का फोल्डर ने कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता है। कीबोर्ड में टाइपराइटर सबसे बड़ा वर्ड है टाइप किए जाने वाला। ईच एक्सेल वर्कशीट, प्रत्येक एक्सेल के वर्कशीट में 10,48,576 रो होती है और 16,348 कॉलम होती है, इनको मल्टीप्लाई करें तो इतनी सेल होगी। और अंडू आपने सुना होगा, अंडू कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड की सहायता से अपने अंडू कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। ये कितनी बार की जा सकती है, तो ये लगभग 100 बार की जा सकती है। नेक्स्ट है कुछ शॉर्टकट कीज है जो आप देखिए, इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की को कवर किया गया है यहाँ पे। जैसे AL की शॉर्टकट की है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AL।
एआई का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल ये एल्गोरिथम लैंग्वेज है। एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। आस्की आस्की के फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर है बिनेक 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 मतलब बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर है बीबीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BIN बाइनरी होता है। बेसिक है बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिट होता है बाइनरी डिजिट। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। CC होता है कार्बन कॉपी। CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसको मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको कैच करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इजी है, आपके द्वारा पढ़ी हुई होगी कई बार, एक तरफ से रिवीजन हो जाएगा। CAD या कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CRT कैथोड रे ट्यूब। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-Writer कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CDRWN कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। डी से संबंधित शॉर्टकट की जाए DWA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है। DPA डॉट्स पर इंच होता है। DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। DVDR DVD रिकॉर्डेबल होती है। DVD-ROM DVD रीड ओनली मेमोरी। DVD राइटेबल। DVR होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ई से संबंधित है EBCDIC का होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EDP होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EEPROM होता है इलेक्ट्रिकली रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ELM या ईमेल को होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ENIAC होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। EOF होता है एंड ऑफ फाइल। EEPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EXE होता है एग्जीक्यूटेबल। F से संबंधित है फैक्स फार अवे एक्सरॉक्स यानी फार अवे जेरोक्स होती है या फेसिमिल्स बोल सकते हैं इसको। FDC होता है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FDDP फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फोरट्रैन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FS होता है फाइल सिस्टम। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GB गीगाबाइट और GB कैपिटल में देखें तो ये गीगाबाइट होता है। GB स्मॉल में देखें तो गीगाबिट होता है। बिट और बाइट का मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। GIF होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। HDD सभी को पता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HP एवलेट पैकेट। HP होता है एवलेट पैकेट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IM होता है इंस्टेंट मैसेज। IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है ये। KB होता है किलोबाइट और KB यानी किलोबाइट होता है। बी कैप्स लॉक ऑन में है। बी KHZ किलो हर्ट्ज होता है। KBPS किलोबाइट किलोबिट पर सेकंड होता है। LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LPI होता है लाइंस पर इंच। LIS होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MB मेगाबाइट मेगाबिट है। MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MICR भी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS की फुल फॉर्म है। MPG भी पूछा जाता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूछी भी गई है। NIS होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। NIC NOS होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OSS ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर।
पेन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीएफ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीओएस होता है पॉइंट ऑफ स्केल, पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पीपीएम होता है पेजेज पर मिनट, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीएसटीएन होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद है जी पिंग, पिंग का होता है पैकेट इंटरनेट गोफर होता है, पिंग का होता है पैकेट इंटरनेट गोफर, आपको याद रखनी है पिंग की, पूछी जा सकती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरआईपी रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है ये, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, आरटीएफ होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, एस से संबंधित है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसआईएम सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल होता है, टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, टीबी होता है टेराबाइट, यू से संबंधित है यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, यूपीएस काफ़ी बार पूछा गया है, और यूआरएल के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरआई के बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, वी से संबंधित वीएआर वर वेरिएबल होता है, वीजीए वीडियोग्राफिक एरे, वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वाईफाई होती है वायरलेस फिडेलिटी, वीलैन होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यूपी होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। अगर दोस्तों एक चीज़ और पूछ ली जाए आपसे, डब्ल्यू डब्ल्यू सी अगर इसका आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, सी का कंसोर्टियम होता है, ये डब्ल्यू की एक संस्था का नाम है, ये पूछा गया एग्जाम में तभी आपको मैंने बताया है। वोरम होता है राइट वंस रीड मनी, XHTML होता है एक्सटेंसिबल हाइबर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ZB जेटाबाइट। कुछ इम्पोर्टेंट और हैं आप देख लीजिए, अगर इनमें से कुछ बच गए हैं तो आपको यहाँ कवर करवा देता हूँ। जैसे OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, OCR ODBC होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, OLE होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ONE होता है ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर, OOA होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंट एनालिसिस, OOAD होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, OpenGL ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी होती है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, OSI होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI लेयर 7 होती है, PC पर्सनल कंप्यूटर होता है, PCIe होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PCMCIe होता है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, और PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDL पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, और PIC होता है प्रोग्रामिंग इंटरप्ट कंट्रोल, PIC प्रोग्रामिंग इंटरप्ट कंट्रोल, पिलोट होता है जी प्रोग्राम इंक्वायरी लर्निंग और टीचिंग होता है, PLA होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे,
पीएलसी होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पीएनपी होता है प्लग एंड प्ले, पीपीपी होता है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, पीपीटीपी होता है पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल, प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीएस होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, आरएडीएसएल रेट अडेप्टिव डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होती है ये, रेड आरएआईडी ये होता है रेडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी सभी जानते हैं, रैमडेक रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कंप्यूटर, आरएएस रिमोट एक्सेस नेटवर्क, आरडी रैम रैमबस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीओ होता है रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट, आरडीपी होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, आरएफसी होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, आरजीबी होता है रेड ग्रीन ब्लू, आरआईसीएस होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, आरआईपी होता है रास्टर इमेज प्रोसेसर, आरआईएससी होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रोम रीड ओनली मेमोरी, आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल, और आरटीसी होता है रियल टाइम क्लॉक, आरटीसी रियल टाइम क्लॉक होती है, आरटीएफ होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आरटीओएस होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेक होता है सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद है सेम एसएएम सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर होता है, एसएपी सेफ सर्विस एक्सेस पॉइंट सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट होता है, एसईएमपी होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार रीड करना ये ज़रूरी है, क्योंकि जो सूचना सहायक का कंप्यूटर एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जो सिलेबस दिया है उसमें ये कवर होने ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, अच्छे लेवल का, मीडियम लेवल का, लो लेवल का, अपर लेवल का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, जो भी आपका एक चैप्टर लिया जा रहा है वो कंप्लीट हो। तो इसमें सभी जो इम्पोर्टेंट है पीछे पूछी जा चुकी है विभिन्न एग्जामों में, उन्हीं को भी मैंने कवर करवाया आपको। SDDS सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन, SDK होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDLS स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज, SDNA इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, SDSL सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है, SGRAM होता है सिंक्रोनस ग्राफिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SGML होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, सिम है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल, SIMD होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, SISD होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, SIU होता है सीरियल इंटरफेस यूनिट, SMP होता है सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेस, SMS होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNA होता है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, SNAP होता है सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, ISNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, स्नोबॉल SNOBOL होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, SOAP होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, SPX है सीक्वेंस पैकेज एक्सचेंज होता है, SQ होता है स्टेटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस होता है, SQA स्टेटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस, SQL है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRS होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और STP है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर नेटवर्किंग केबल का टाइप है, SVVP होता है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लान, SW सॉफ्टवेयर होता है, TAPL होता है TAPI होता है टेलीफोनी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, TB टेराबाइट होती है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, TCP/IP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TDA ट्रांसपोर्ट डेटा इंटरफेस है, TDMA है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TPM ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर होता है,
TSR होता है टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंस, UDD होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UI यूजर इंटरफेस, UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UNC होता है यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन, यूनिक्स होता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसको इसलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि अभी दो दो या तीन दिन बचे हैं आपके पास, तो आप जितना हो सके मैटर एक बार आप रिवाइज कर लीजिए आपको, क्योंकि आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया होगा, अब रिवीजन की ज़रूरत है, ना कि आप डेटा को समझने की ज़रूरत है कि भाई आप प्रत्येक चैप्टर को अलग अलग समझो। रिवीजन के तौर पे आप जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, USRT होता है यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिटेड, UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, VAN होता है वर्चुअल एरिया नेटवर्क, VAST वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, VB विजुअल बेसिक होता है, VC++ होता है विजुअल C++, VCD वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, VDL होता है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, VGA वीडियो ग्राफिक एरे, VHS वीडियो होम सिस्टम, VLIW वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड होता है, VLSI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VPN भी इंपॉर्टेंट है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VRAM होता है वीडियो रेंडम एक्सेस मेमोरी, VRML होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, VS होता है विजुअल स्टूडियो, VVR होता है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड वैलिडेशन रिपोर्ट, VXD होता है वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर, W3C होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्डियम, WAIS होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस सर्वर्स, WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वेब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, फिर है WBEM वेब बेस्ड इंटरप्राइज मैनेजमेंट, WDM होता है वाव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट्स थे, आपने अच्छी तरह से कवर कर लिए। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो एक या दो बार अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो। बाकी मुझे नहीं लगता क्योंकि आपने सिलेबस को कवर कर लिया होगा, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।